हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पे वांगची बॉटम है और विंग जो है वो है टॉप। और इस स्टोरी का नाम कुछ और नहीं बल्कि है इस स्टोरी का नाम है स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। ये मैंने वॉटपैड पर भी लिखी है, जिसको ये स्टोरी पसंद आए वहाँ पर जाके पढ़ सकता है। ये स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है तो इसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो इस स्टोरी के कुछ कुछ मतलब आपके साथ टुकड़ों में ही पार्ट आया करेंगे, जिन्हें मैं जब जब इसे अपडेट करा करूँगी तो इसके पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी, ताकि आप लोग इस स्टोरी से भी अवगत रहें। उसके अलावा मैं एक और स्टोरी यहाँ पर चलाऊँगी इस चैनल पर, जब जब इसे अपडेट करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी गाइस। तो फिलहाल इसके जितना भी मैंने अपडेट किया है 3 से 4 पार्ट, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इसमें लवांगची एक गेर है, जैसे कि लवांगची एक गेर था जो हमने स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय, उसमें लवांगची गेर था। और इसमें भी लवांगची गेर है जिसके पास मैन और वीमेन के दोनों के ही प्राइवेट पार्ट हैं, बट उसका मेन पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और यूजलेस है। यहाँ पर वांगची जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट, प्यारा और एक अनाथ दिखाया गया है। और गाइस, यहाँ पर लवांगची जो है 18 साल का एक ऑर्फन बॉय है जो कि अपने एल्डर ब्रदर लेंचिटन के साथ रहता है। एक क्यूट इनोसेंट चश्मा पहनने वाला इंसान जिसकी स्किन काफ़ी फेयर है, ब्लू आइज हैं। और यहाँ पर उसकी हाइट 5'10" है। यहाँ पर वी विशन जो कि 22 साल का एक ओल्ड बिजनेस टाइकून है, यानी कि ओल्ड नहीं कहा जाएगा, यंग बिजनेस टाइकून है। बहुत इंटेलिजेंट है, एरोगेंट है, इगोइस्टिक है और स्पॉइल्ड है। यहाँ पर उसकी हाइट 6'2" है, हमारे जो हमारा विंग है उसकी हाइट। और गाइस, यहाँ पर लेंचिटन है जो कि 20 साल के हैं, विंग से उम्र में छोटे हैं। यहाँ पर वो जो है वो प्रेसिडेंट है स्विमिंग क्लब के और फूड डिपार्टमेंट के। उन्हें बच्चों को स्विमिंग सिखाना बहुत पसंद है और वो अक्सर मास्क पहन के रखते हैं क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। वो लवांगची के एल्डर ब्रदर हैं। यहाँ पर सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग क्लॉक में डूडल डू बजती है, यानी कि कुकड़ू कू हो रही होती है। और तभी वहाँ पर बड़े ही फेंट से ऑरेंज कलर में हमारा सनराइज करता है, नीला हल्का हल्का गहरा सा आसमान जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज जाती है। और यहाँ पर जो आसमान था वो इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था जेट पेंडेंट की तरह, और एक रेनबो ड्रीम कैचर यहाँ पर एक खिड़की के ऊपर लटकता हुआ सारी हवाओं को अंदर का रुख दिखा रहा था। तभी नॉक नॉक होता है। नॉक नॉक जो होता है वो लवांगची के दरवाजे पे होता है और यहाँ पर लेंचिटन की सुरीली सी आवाज़ में कहते हैं, वांगची जल्दी उठो, 6 बज गए, तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है आज के कॉन्सर्ट की। यहाँ पर लेंचिटन कहते हैं और लवांगची जो है वो कहता है, गगा मुझे 5 मिनट दीजिए ना, मैं अभी उठ जाऊँगा, मुझे वॉशरूम जाना है। लेंचिटन कहते हैं, वांगची तुम्हें थोड़ी सी टी लेनी चाहिए और पॉरेज के साथ, मैंने वही बनाया है, क्या तुम उसे एज अ अपना खाना खाना चाहोगे, ब्रेकफास्ट की तरह उसे लेना चाहोगे। तो वांगची को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कहता है, यस गगा, लेकिन क्या आप मुझे अपनी पिंक जैकेट दे सकते हैं। लेंचिटन कहते हैं, श्योर, अगर तुम लेना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कैंपस के अंदर लवांगची जो कि कैंपस में एंटर करता है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, बहुत अच्छा सा एम्बियंस था, लोग बहुत ही अच्छे घरानों से आए हुए थे, स्टूडेंट यहाँ पर घूम रहे थे हमेशा, हर कोई जल्दी में ही रहता था क्योंकि उन्हें बहुत सारी ड्यूटीज़ और परफॉर्मेंस देनी होती थी। लोगों की चहचहाहट यहाँ गूंज रही थी और यहाँ की जो वॉल्स थी वो न्यू डिज़ाइन से पेंटेड थे। यहाँ पर अक्सर आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट थे वो तरह तरह के डिज़ाइंस, तरह तरह की कलरिंग करके यहाँ की दीवारों को अक्सर बिल्कुल कलरफुल बना के रखते थे, जहाँ पर कुछ कल्चरल आर्ट भी दिखा करती थी और कुछ ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें भी दिखा करती थी। यहाँ पर मिक्स आर्ट का कल्चर हुआ करता था। यहाँ पर कैंपस में मानो एक नई सी वेव आ गई हो। न्यू सिंह जो कि एक ड्रमर है वो लवांगची से कहता है, कहाँ हो तुम, प्रेसिडेंट शू यांग जो है वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ, हमें शाम तक प्रैक्टिस भी करनी है। और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। लवांगची जो कि अपने दोस्तों को ढूंढा ढूंढा पहुंच जाता है। न्यू हसेंग लवांगची को देखकर कहते हैं, लवांगची देखो यहाँ हमारा बैंड का पोस्टर है, ये ऑफिशियल पोस्टर है, उनकी बैंड का नाम था द वॉन्डरर्स, ये बैंड नेम कितना कूल लग रहा है ना, ऊ डैम ब्रो। शू यांग यहाँ पर आता है जो कि बहुत एज़ यूजल बहुत क्यूट लग रहा होता है।
यहाँ पर गाइस जो हमारा लवांची है वो शुयंग पे थोड़ा सा क्रश रखता है, क्योंकि शुयंग बहुत कूल लड़का है जो कि मेल लीड सिंगर भी है। लवांची यहाँ पर अपनी आंखें झपकाते हुए शुयंग को ही देख रहा था जो कि उस पोस्टर में बहुत कूल लग रहा था। उनके उसके मन में चलता है, शुयंग तुम कितने क्यूट हो, कूल हो, और ये जो काले तुमने चश्मे लगाए हैं, तुम्हारी पॉइंटेड नोज है, मरून लिप्स हैं, क्लासी, तुम्हारा जो ये क्लीन शेव लुक है, परफेक्टली टैटू जो तुम्हारी साइड नेक पे है, बहुत क्यूट लग रहा है, और स्पेशली तुम्हारे ये काले बाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब तुम बोहेमियन स्टाइल का ड्रेसअप करते हो, सच में तुम्हारी स्माइल सब चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। लवांग जी आँखें झपकाता रहता है और शुयंग के पोस्टर में शुयंग को देखता रहता है और मन में सोचता है, ओ माई गॉड शुयंग, तुम नेचुरली ब्लेस्ड हो, तुम गॉड गिफ्टेड वॉइस तुम्हें मिली है, जहाँ पर सच में तुम्हारी आवाज़ में एक जादू है, और मुझे धीरे धीरे सीक्रेट क्रश तुम पे होने लगा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो म्यम्या है यानी कि फीमेल लीड सिंगर जो कि गर्लफ्रेंड भी है हमारे शुयंग की, वो तुम पे इतनी लाइन मारती है, लेकिन मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करूँगा। ऑब्वियसली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम उसे पसंद करते हो। यहाँ पर शुयंग आ जाता है और दूर से कहता है, हे लवांगची, क्या तुम प्रैक्टिस के लिए रेडी हो? लवांगची उसे देखकर उसके दिल की एक धड़कन रुक जाती है और वो बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए यहाँ पर उसे देखता है जो कि पियानो बजा रहा था। यहाँ पर शुयंग जो है वो पियानो भी बजाता है और वो यहाँ पर मेन लीड सिंगर भी है द वॉन्डरर्स का, जो कि उनके ग्रुप का नाम है। लवांगची धीरे से अपने मन में सोचता है, शुयंग तुम म्यूज़िक के प्रति कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी ये डेडिकेशन जो म्यूज़िक के लिए है, तुम सच में बहुत कामयाब हो। मैंने ज्वाइन किया था इस बैंड को तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम ही इकलौते रीज़न थे कि मैं इस वॉन्डर ग्रुप में आया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है जिस तरह से शुयंग अपनी उंगलियों को पियानो पे बजा रहा था। वो मन में सोचता है, काश मैं ये पियानो होता और तुम्हारी उंगलियाँ मुझे एक म्यूज़िक की तरह छू रही होती। सच में वो यहाँ पर खो जाना चाहता था शुयंग के उस गाने में। शुयंग गाना भी बहुत अच्छा गाता था और प्ले भी बहुत अच्छा करता था। शुयंग की आंखें बंद थी और वो सच में इस ट्यून को एंजॉय कर रहा था। शुयंग कहता है, लवांग जी देखो, मैंने एक नई ट्यून को डिस्कवर किया है अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। लवांग जी स्माइल करता है और कहता है, उसे लग रहा था शायद ये पहला इंसान है जो इस नए ट्यून को, जिसे शुयंग ने डिस्कवर किया है, उसे सुन रहा है। और जैसे ही वो उस ट्यून को सुनता है, लवांग जी कहता है, नाइस ब्रो, आप हमेशा से बेस्ट पियानिस्ट हैं इस यूनिवर्सिटी में, और आज हमारा जो बैंड है वो ऑलरेडी इस सारी चीज़ों को इंजॉय करने वाला है। शुयंग कहता है, बिल्कुल श्योर। लवांग जी यहाँ पर मन में सोचता है, प्लीज़ मुझे ऐसा लुक मत दिया करो पीछे मुड़कर, तुम इतने क्यूट लगते हो शुयंग, मैं खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन तभी के तभी चिल्लाकर वहाँ पर सारे ग्रुप वाले कहते हैं, यस बॉस, क्योंकि वो सारे आज के दिन शुयंग के साथ परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार थे। लवांगची जो है वो यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा होता है और यहाँ पर वो वाइट टी शर्ट पहनता है, पिंक जैकेट पहनता है और ब्लैक फिटेड ट्राउज़र पहनता है। वो सच में चाइनीज सिंगर वांग यीबो की तरह लग रहा था और बहुत कूल, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर लवांग जी जो है उसकी एक चॉकलेट बॉय की इमेज थी जिसकी स्माइल बहुत ही क्यूट थी, टूथी थी। लेन चिचन कहते हैं, लिटिल ब्रदर लवांग जी, क्या तुम रेडी हो परफॉर्मेंस के लिए? लवांग जी कहते हैं, गगा बिल्कुल। लेन चिचन कहते हैं, लिटिल ब्रदर तुम्हें नर्वस नहीं होना, स्टेज पर आग लगा दो और बेस्ट ऑफ लक स्टेज पे जाने के लिए। लवांग जी कहता है, थैंक्स गगा, और वो यहाँ पर कहता है, शुयंग की तरफ देख रहा होता है जो कि सुपर कूल लग रहा था, जो कि एक मेल लीडर है और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था, ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था, और उसके जो हेयर कट था वो भी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। उसने यहाँ पर अपना लकी चार्म ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। शुयंग ने यहाँ पर अपने ब्लेजर के बटन भी होल्ड किए हुए थे और लिटरली वो अपनी जब साइड नेक का टैटू दिखाता है तो इतना कातिल लगता है ना कि वहाँ पर जैसे ना जाने कितने लोग उसके प्यार में पागल ही हो जाएंगे। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट वहाँ पर उन लोगों को इंटरप्ट कर देती है। अनाउंसमेंट होती है, प्लीज़ वेलकम आर लास्ट बैंड द वॉन्डरर्स ऑन द स्टेज, पुट योर हैंड्स टुगेदर।
जोर से ताली बजाई है। वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे थी जैसे मानो कोई बादल फट गया हो। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी जैसे मानो सुनामी आने वाली हो। और यहाँ पर सारे चिल्ला रहे होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं, शू यांग करके उनका नाम बुला रहे थे। वहाँ पर वो स्टेज पे आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके लुक इतने ग्लैमरस थे, उनकी ड्रेस अब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी। शुयंग यहाँ पे है जो माइक लेता है और वो इंट्रोड्यूस करता है खुद को और अपने बैंड के मेंबर्स को। यहाँ पर वो कहता है, हेलो, हम वॉन्डरर्स हैं, मेरा नाम शुयंग है, मैं एक मेल लीड सिंगर हूँ और ये मेरे फैलो बैंड मेंबर्स हैं। म्या फीमेल लीड सिंगर हैं, लवांग जी गिटारिस्ट हैं और नी हुसैन ये ड्रमर हैं। आई होप आप सबको हमारी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर वो एक गाने को परफॉर्म करते हैं, सारे लोग हूटिंग करते हैं, शोर मचाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उत्साहित करते हैं। वो लोग परफॉर्मेंस अपनी ख़त्म करते हैं और एक गाना था जो कि वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेवरल डिपार्टमेंट्स थे जो कि एंकर द्वारा अनाउंस किए जा रहे थे। जो लास्ट अनाउंसमेंट थी ना बैंड परफॉर्मेंस की, जिसमें सेकंड रनर अप जो थी वो एक टीम होती है, फर्स्ट रनर अप दूसरी टीम होती है और जो आवर विनिंग टीम थी वो द वॉन्डरर्स थी, यानी कि हमारे लवांगची की टीम। यहाँ पर बहुत सारी क्लैपिंग्स होती हैं, हूटिंग होती हैं, शाउट होता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज तेज तालियाँ बज रही थी जिससे पूरा का पूरा कैंपस तालियों की जो गड़गड़ाहट थी, गूंज थी, उससे पूरा गूंज गया था। और यहाँ पर ये सारे बहुत खुश थे क्योंकि ये लोग अब इस परफॉर्मेंस को जीत चुके थे। और यहाँ पर जो है तभी के तभी एक अनाउंसर अनाउंस करती है, वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जियांग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वी ग्रुप एंड वी प्राइवेट लिमिटेड टू प्रेजेंट दिस ऑनर टू विनिंग टीम। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मिस्टर जियांग को हम बुला रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं वी ग्रुप के और वी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, जहाँ पर वो इस विनिंग टीम को अच्छे से ग्रीट करने आएंगे, अपना ऑनर प्रदान करने आएंगे। तभी एक मैन जो था वो यहाँ पर चलता हुआ आता है जिसकी काली आंखें थी, एंटी क्लियर ग्लासेस जिसने पहने हुए थे, कर्व्ड सी आईलैशेस थी, थिन नोज थी और उसके टिंटेड लिप्स थे। एलिगेंट सी स्माइल में वो जब चल के आता है वो कोई और नहीं बल्कि जंगचा था जिसके परफेक्टली कॉम्ब्ड हेयर थे। और यहाँ पर उसने अपने फॉर्मल्स को कैरी किया हुआ था, उसका क्लासी स्टाइल लग रहा था और जंगछा बहुत ही एकदम रैंप मॉडल की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पे एक प्रिटी सी स्माइल थी, वी शेप्ड क्लीन बॉडी और रोल मॉडल की तरह बिल्कुल यूथ के सामने जब वो चल के आता है तो वाइस प्रेसिडेंट वी ग्रुप के देखने के लिए सारे के सारे लोग आ गए थे। वो हॉटर देन हॉट था और हार्ट थ्रोब था यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स थे उनके लिए। जब वो स्टेज की तरफ आता है ना सक्सेसफुली, वो ट्रॉफी द वॉन्डरर्स को देता है और यहाँ पर वो $5,000 का चेक देता है वी ग्रुप की तरफ से इन लोगों को और वो कॉन्ग्रेट्स करता है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर योर सक्सेस एंड आई वुड इन्वाइट यू ऑल, यानी कि यहाँ पर वो जो बैंड था उसे इनवाइट करता है फॉर द लंच जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वी ग्रुप की तरफ से। आवर प्रेसिडेंट सीईओ मिस्टर वी विल बी थ्रोइंग अ पार्टी फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। यहाँ पर वो बताता है कि मिस्टर वी आपके लिए एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। वो यहाँ पर अभी नहीं आए क्योंकि ऑफिशियल वर्क की वजह से वो अपने काम में बिजी थे, लेकिन ये ग्रैंड सेलिब्रेशन हमारा वी ग्रुप आपको आपके जीतने की खुशी पर देना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में आएँ और हमें एक लंच के लिए ज्वाइन करें। सून ये एक इंफॉर्म्ड फैकल्टी को कर देते हैं कि कैसे बच्चों को कहाँ आना है, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स को, और कैसे उन्हें उनके सीईओ विविशन के सामने आना होगा और उनसे मिलना होगा। यहाँ पर गाइस हमारे लवांगची और विंग की पहली मुलाकात होगी। यहाँ पर सबके चेहरों पे एक स्माइल थी क्योंकि वी ग्रुप में उन्हें जाने को मिला था जो कि यहाँ की टॉप मोस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक है, जहाँ के सीईओ सबको पता है कि कितने हैंडसम इंसान हैं। उनसे मिलने के लिए अक्सर सारे लोग तड़प रहे थे लेकिन लवांगची को यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर इन लोगों की बहुत ज़्यादा ह्यूज विक्ट्री थी, एक वाइस प्रेसिडेंट ने आकर, यानी कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वाइस चेयरमैन कह लें, उन्होंने आकर यहाँ पर इन लोगों को इतना अच्छा सम्मान दिया और संबोधित किया। शुयंग जो है वो झंगछा से हाथ मिलाता है और कहता है, यह हमारा ऑनर है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं खाना खाने के लिए। वो सारे आराम से वो करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग के सामने अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। लैन शिजन जो था लवांगची का फ्रेंड, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है जब इसका भाई और बाकी सब नीचे आते हैं। उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वो
स्पेशली अपने लिटिल ब्रदर वांगजी को कहता है, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है वांगजी। वांगजी कहता है, थैंक यू गगा, और वो अपना सर हिलाता है। यहाँ पर वो शिचन को हक करता है। शिचन कहते हैं, मेरी पार्टी कहाँ है हम? तभी के तभी यहाँ पर शुयंग कहता है, गाइस मैं आप लोगों को मेरे बिहाफ पे पार्टी दूंगा। यहाँ पर हम सारे खूब एक्साइटेड होकर मौज मस्ती करेंगे। वो सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं ये, और वो सारे के सारे कैफे जाते हैं ताकि वो वहाँ पर पार्टी कर सकें, अपना मील एंजॉय कर सकें। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हमारे लवांगची और व्यूविशन की एक वियर्ड सी मुलाकात होगी, और देखते हैं कि एक स्कूल कॉलेज का एक छोटा छाटा मतलब भोला भाला सा लड़का, और कहाँ वो एक कंपनी का रूट CEO, क्या क्या इनका कॉम्बिनेशन होगा, कैसी इनकी फर्स्ट मुलाकात होगी, और क्या वांगची और विंग के बीच में कैसी खट्टी मीठी नोकझोंक होगी, वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।